इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है। गठबंधन के तहत जहाँ जहाँ भी हमारे बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि हमें एक एक वोट अपना ट्रांसफर कराना है, एक एक वोट हमें ट्रांसफर कराना है। आप लोगों को कोई गलती नहीं करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। कोई गिल्ला शिकवा तुम्हारा पुराना भी है तो मैं अपील करने के लिए आई हूँ, उसको आप लोग तो देश और जनहित में, मूवमेंट के हित में, कमजोर तबकों के हितों में, अपने हित में आप लोग इसको भूल जाओ। तो गिल्ले शिकवे सबको भुलाकर इस समय सामाजिक परिवर्तन की लहर चल रही है और इस लहर को हमें लंबा ले जाना है। और आपका बहुत बड़ा योगदान है इस लोकसभा के आम चुनाव में, और इसी लोकसभा के आम चुनाव में आप लोगों को ये संदेश दे देना है कि ये हमारा गठबंधन लंबा चलेगा और ये पूरे देश के अंदर परिवर्तन लाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो अधूरा कार्य था सामाजिक परिवर्तन का केंद्र और सूबों में, तो जो उपेक्षित लोग हैं इन लोगों के हाथ में सत्ता आए। अब ये समय नजदीक आ रहा है बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना गठबंधन के उम्मीदवारों को एक एक वोट देकर उनको जरूर कामयाब बनाना है। और अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को वोट पड़ने वाले दिन, अब भीड़ तो बड़े पैमाने पर आ गई, आप लोग हमारी बात भी सुन रहे हैं, लेकिन वोट वाले दिन आप लोग गलती मत करना। वोट वाले दिन आप लोगों को सुबह उठते ही समय से सबसे पहले अपने अपने पोलिंग बूथों पर अपना वोट डालने के लिए जरूर जाना है, और उसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जरमान आदि करना है। उस दिन आप लोग ये फैसला ले लो, ये तैयार कर लो कि हमें कुछ घंटे का उपवास रखना है, व्रत रखना है, और कुछ घंटे का उपवास रखने से हमारा भी काम बन जाएगा, हमारा वोट समय से पड़ जाएगा, और उपवास रखने से आपका पेट भी ठीक हो जाएगा। कभी कभी थोड़ा पेट भी ठीक रखा करो। तो इसलिए वोट वाले दिन सुबह उठते ही सबसे पहले आप लोगों को वोट डालने के लिए जाना है, और उसके बाद ही फिर आपको अपना कोई जपान आदि करना है। और इस मामले में हमारी महिलाएं भी अपने पुरुषों से पीछे नहीं रहेंगी, जो बड़ी तादाद में यहाँ मुझे सुनने के लिए आई हुई हैं। हमारे आदमी लोगों ने महिलाओं को थोड़ा पीछे दबाया हुआ, वो एक अलग चीज है, लेकिन महिलाएं आपके आजमगढ़ में महिलाएं हमारे पुरुषों से कभी पीछे नहीं रहती है, चाहे तो रैली में आने का मामला हो, भाग लेने का हो, या वोट डालने का हो, हमारी महिलाएं पीछे नहीं रहती हैं। तो मैं अपनी महिलाओं से ये पुरजोर अपील करती हूँ कि वोट वाले दिन आप लोग अपने पुरुषों के साथ तो वोट डालने के लिए समय से आप लोग जरूर निकलेंगे। इसके साथ ही आप लोगों ने हर पोलिंग बूथ की अपनी कमेटी बनाई हुई है, तो पोलिंग बूथ की कमेटी की ये जिम्मेवारी होगी कि आप लोगों को ये देखना है कि आपके पोलिंग बूथ के क्षेत्र का कोई भी वोट पड़ने से ना रह जाए, एक एक वोट आपका गठबंधन के उम्मीदवार को पड़ना चाहिए। और अब मैं पुनः आप लोगों से सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव को ऐतिहासिक जीत दिलाने की तथा बगल की लालगंज रिजर्व सीट से बीएसपी की उम्मीदवार श्री संगीता आजाद को भी भारी वोटों के अंतर से बताने की इस खास अपील के साथ ही अब मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। और अब मेरे बोलने के तुरंत बाद ही सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव भी, श्री अखिलेश यादव ये तो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये तो अपनी बात रखेंगे ही, डिटेल में अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं अपनी बात समाप्त करूँ। आप लोग यही मान के चलना, श्री अखिलेश यादव मुझे अपना बड़ा मान के चलते हैं, और ये यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव चुनाव नहीं लड़े हैं बल्कि आपकी बहन जी चुनाव लड़ी है, और ऐतिहासिक वोटों के अंतर से इनको जरूर कामयाब बनाना है। और मैं
नेता आकाश आनंद जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हवलदार यादव जी, बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष अरविंद जी, मंच पर उपस्थित हमारे साथ रहे मंत्री आर्य प्रताप यादव जी, आर्य दुर्गा जी, मंच पर उपस्थित सुखदेव राजभर जी, नेता विरोधी दल आर्य राम गोविंद चौधरी जी, विधायक शाह आलम जी, विधायक आलम नदी जी, बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी के सभी हमारे विधायक नेता, आरएनडी के सभी पदाधिकारी और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित बड़ी संख्या में तीनों दलों के सभी नेता कार्यकर्ता, आदरणीय बुजुर्ग माताएं बहने नौजवान साथी प्रत्याशी हो। मैं सबसे पहले आदरणीय बहन मायावती जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने जो आज अपील की है और अभी तक तो हम सब लोग मिलकर भी गठबंधन के जो प्रत्याशी जगह जगह चुनाव लड़ रहे हैं उन तो सबके लिए अपील कर रहे थे, और जो जन समर्थन मिल रहा है, जो जन सहयोग मिल रहा है, उससे यकीन हो गया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा